जब नोट जलाकर खाना बनाने लगे लोग। जी हाँ दोस्तों, साल 1923 में कर्ज के भारी बोझ तले दबा जर्मनी जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 की आपदा से मुक्ति पाने के लिए झटपटा रहा था, तभी वहाँ के बैंक नोट मतलब कि मार्क की लगभग कोई कीमत ही नहीं रही। देखते ही देखते एक ब्रेड की कीमत अरबों मार्क की हो गई। जर्मनी में आई इस आपदा को दुनिया में वाइमर रिपब्लिक का 1923 का संकट के नाम से जानती है। और नोटों की ऐसी भी दुर्दशा हो सकती है तो आप जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत तेजी से गिरी थी नोटों की कीमत। जी हाँ दोस्तों, हालात इतने बिगड़ गए कि जनवरी 1923 में जो ब्रेड बन 250 मार्क्स में मिलता था वह नवंबर आते आते 2 खरब मार्क्स का हो गया। नोट छोड़कर सूटकेस चुरा लेता था चोर। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कभी सुना है, लोगों को अपने वेतन की रकम सूटकेस में लाने पड़ते थे। एक व्यक्ति ने नोटों से भरा सूटकेस यूं ही छोड़ दिया, चोर नोट छोड़ के सूटकेस ले गया। पल पल बढ़ रही थी महंगाई। जी हाँ दोस्तों, एक लड़के को 2 ब्रेड बन खरीदने के लिए भेजा गया। दुकान के रास्ते में उसे बच्चे फुटबॉल खेलते दिख गए। बच्चा वहीं फुटबॉल खेलने लगा। थोड़ी देर बाद वहां दुकान पर पहुंचा तो बन का दाम इतना बढ़ चुका था कि वह दो क्या एक ही बन नहीं खरीद पाया। एक महिला ने गुजारे के लिए अपना घर बेच दिया, लेकिन एक हफ्ते बाद उसके पास पड़े पैसे का मूल्य इतना गिर गया कि वह एक ब्रेड भी नहीं खरीद सकी। दरअसल नोटों की वैल्यू इतनी कम हो गई कि ईंधन की जगह नोट जलाना सस्ता पड़ रहा था। 1923 में जर्मनी में नोटों की दुर्दशा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बच्चे नोटों का घरौंदा बनाकर खेलने लगे थे। इस तस्वीर को ही देख लीजिए, बच्चे नोट की पतंग बनाकर उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको जर्मनी में नोटों की दुर्दशा देखकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का लाइक है 30 लाइक्स। 1, 2, 3.